Hello and welcome back to another VBA PDF automation from Practical IT. इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं हम जो PDF जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम उसको कैसे क्रॉप करते हैं टू सम पॉइंट्स. सो बेसिकली एक क्वेश्चन एक अपेयर हुआ है मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में कि हाउ कैन वी क्रॉप दिस PDF डॉक्यूमेंट. सो आज हम जो है इसमें देखने वाले हम PDF डॉक्यूमेंट को हम कैसे क्रॉप कर सकते हैं इस वीडियो में. सो सबसे पहले मैं आपको अगर आपने इस पे इफ़ यू डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ बेसिक्स ऑफ PDF VBA ऑटोमेशन यू कैन वॉच माई सीरीज. सो इसके लिए मैंने एक एडोब एक्रोबेट की जो लाइब्रेरी है उसको रेफरेंस करना होगा आपको. और सिंपली मैं यहाँ पे जो होगा कुछ वेरिएबल्स होंगे वो डिफाइन करूँगा. जैसे मैं बोलूँगा डायमेंशन डिम एक्रो अंडरस्कोर एप्लीकेशन AWP एज एक्रोबेट डॉट एक्रो ऐप. देन उसके बाद मैं एक और एप्लीकेशन एक और AV डॉक के लिए डिफाइन करूँगा डिम एक्रो अंडरस्कोर AV डॉक एज एक्रोबेट एक्रोबेट डॉट एक्रो. यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्रो AV डॉक. उसके लिए मैं एक और वेरिएबल लूँगा PD डॉक के लिए एक्रो अंडरस्कोर PD डॉक एज एक्रोबेट एक्रोबेट डॉट एक्रो. यहाँ पे आएगा PD डॉक. और मैं एक जो एक्रोबेट जो डॉक्यूमेंट का जो पेज होता है PD पेज उसके लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा डिम एक्रो अंडरस्कोर PD पेज एज एक्रोबेट डॉट एक्रो PD पेज. और मैं फिलहाल मैं इतने रखता हूँ. इसके बाद मैं इनको जो है सेट करूँगा सेट एक्रो ऐप इज इक्वल टू मैंने बोला न्यू एक्रोबेट एक्रोबेट डॉट एक्रो ऐप सेट एक्रो AV डॉक इज इक्वल टू न्यू एक्रोबेट डॉट एक्रो AV डॉक. उसके लिए मैं एक मान लीजिए मैं इसमें एक को डॉक्यूमेंट ओपन करना है ओपन डॉक्यूमेंट मैं इसको बोलूँगा एक्रो AV डॉक डॉट ओपन. हमारा एक मेथड होता है स्पेस दीजिए. स्पेस देने के बाद आपके पास इसमें दो पैरामीटर्स हैं एक टेम्परेरी टाइटल दे सकते हो आप. फर्स्ट आपका इसमें फुल पाथ एक्सेप्ट करेगा जो आपकी जो आप डॉक्यूमेंट ओपन करने वाले हो PDF. सेकंड आपका है टेम्प टाइटल एज स्ट्रिंग यानी आप उस जो फाइल ओपन करने वाले हो उसको अगर आप कुछ ऐसे टेम्परेरी टाइटल देना चाहते हो वो भी आप वहाँ पे स्ट्रिंग में आप लिख सकते हो. फिलहाल मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि हम सैम्पल यूज़ करने वाले हैं. दिस इज़ द डॉक्यूमेंट आई हैव. तो मैं इसको फिलहाल क्लोज कर देता हूँ. और इसमें मान लीजिए मुझे इसको ओपन करना है. ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे इसकी जो फाइल पाथ होगा मैं इसको कॉपी कर लूँगा सिक्योरिटी में जाके. ये मैंने इसकी फाइल पाथ कॉपी कर ली यहाँ से पेस्ट कीजिए. उसके बाद कॉमा प्रेस कीजिए. अगर आप कॉमा नहीं दोगे अगर आप इसको टाइटल अगर आपको कुछ नहीं देना तो आप इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग कर सकते हो. मगर ये जो पैरामीटर है आपका ये दिस पैरामीटर मस्ट बी फिल्ड राइट. इसमें फिर मैं इसको बोलूँगा एक्रो AV डॉक डॉट ब्रिंग टू फ्रंट. क्या होगा ये जैसे आपका जब आप इसको ओपन करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपके सामने आ जाएगा वो राइट बिहाइंड आपके कोडिंग विंडो चला जाएगा एक तरह से. अब इसमें एक्रो जो PD डॉक है मैं उसको अभी इसको रेफरेंस करूँगा सेट एक्रो PD डॉक इज इक्वल टू एक्रो AV डॉक जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था डॉक उससे जो हमने बोलेगा गेट PD डॉक. इसके जो क्या होगा जो आपने इस वेरिएबल जो डॉक्यूमेंट आया है वो इसमें ट्रांसफ़र हो चुका है एक्रो PD डॉक में राइट. अब इसमें मैं बोलूँगा अगर आप इसमें चेक करना चाहते हो डिबग डॉट प्रिंट एक्रो PD डॉक डॉट गेट नम पेजेस. अगर आप चेक करना चाहते हो कितने पेजेस हैं वो मैं आपको दिखा दूँगा इसमें. उसके बाद मान लीजिए गेट पेज
पीडीएफ पेज। हमारे पास उस डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही पेज था, तो बेसिकली जो हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है पीडीएफ का वो जीरो से होता है। तो मैं यहाँ पे एक जो वेरिएबल लिया था मैं इसको एक्रो पीडी पेज का, इसको मैं सेट करूँगा, सेट एक्रो पीडी पेज इज इक्वल टू, मैं यहाँ बोलूँगा एक्रो पीडी डॉक डॉट एक्वायर पेजेस। इसमें कौन सा पेज आपको लेना है, ऑब्वियसली आपके पास एक ही पेजेस में तो आपका जीरो बेस्ड इंडेक्स होगा, तो आप यहाँ पे जीरो टाइप कर दीजिए। ये तो आपने यहाँ पे इसमें आपने देख लिया। इसमें अगर आपको इसमें इस पीडीएफ के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता करने हो, जब पीडीएफ पेज को आप क्रॉप करते हो तो बेसिकली आपके पास इसके पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट्स पता होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, एक्स वाई ऊपर से जो है ये वाला आपका वाई होता है, ये आपका एक्स एक्स होता है। आपको दिखाया था एक बार डायग्राम, ये आप देख रहे हो, आप यहाँ से आपका जो यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये इस लोअर लेफ्ट कॉर्नर, बेसिकली ये ज़ीरो ज़ीरो होता है पीडीएफ कोऑर्डिनेट्स एक्रोबेट में। तो ये आपका यहाँ से एज ए एक्स होगा, ये जो जितनी वैल्यू होगी यहाँ से पीडीएफ पेज की लेफ्ट टू राइट होगा वो आपका एक्स होगा, एंड फ्रॉम लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये आपका क्या होता है वाई होता है ये। तो बेसिकली ये हमारा इस पेज का ये जो ये हमारा एक्स हो जाएगा और ये हमारा वाई हो जाएगा। तो हमें जो ऐसे कि जो पहले पे हम क्या करेंगे, पहले जो पूरे पेज का जो होगा कोऑर्डिनेट्स, हम उसके कोऑर्डिनेट्स को पहले हम एक्स और वाई के हम कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे। कोऑर्डिनेट्स पता करने के बाद उसके अंदर जो पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट्स में से हम क्या करेंगे, उसमें कुछ पॉइंट्स लेस करेंगे यानी हम कम करेंगे। जब भी हम क्रॉप करते हैं डॉक्यूमेंट, ऑब्वियसली हम ऐसे क्रॉप करते हैं या फिर हम ऐसे क्रॉप करते हैं या फिर हम ऐसे क्रॉप करते हैं या फिर हम ऐसे क्रॉप करते हैं। तो ऑब्वियसली जब हमको पूरा पहले कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए एक्स एंड वाई के, उसके बाद ही हम जो है डॉक्यूमेंट्स क्रॉप करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद पहले मैं इसमें जो पेज का जो साइज़ होगा, मैं पेज के साइज़ के लिए फर्स्ट गेट पेज साइज, उस पेज का जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उस पेज का हमारे पास साइज हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ डी मैक्रो अंडरस्कोर, मैंने बोला रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एज एक्रोबेट डॉट एक्रो आर ई सी टी, ये हमारे पास जो है क्लास है हम यूज़ करने वाले हैं एक्रो रेक्ट। हम इसमें एक वेरिएबल लेंगे एक गेट पेज साइज के लिए, जो कि हमारा गेट पेज साइज बेसिकली आपका उसमें जो पॉइंट्स होंगे आपके पॉइंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे एक्स एंड वाई से। तो मैं यहाँ पे इसमें बोलने वाला हूँ, मैं यहाँ इसमें एक वेरिएबल लूँगा डिम, यहीं पे मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं बोलूँगा पेज अंडरस्कोर रेक्टेंगल, पेज के रेक्टेंगल्स के जो पॉइंट होंगे एस एक्रोबेट डॉट एक्रो पॉइंट हमारी एक क्लास है, हम इसको यूज़ करेंगे एक्रो पॉइंट। मैंने यहाँ पे इसको एंटर मार दिया, फिर मैंने बोला सेट पेज रेक्टेंगल इज इक्वल टू, जो आपका एक्रो पीडी डॉक से आ रहा है, एक्रो पीडी डॉक में जो आपने डॉक्यूमेंट लिया है डॉट गेट साइज, हमारे पास एक मेथड होता है, आप उसके जो है इसमें साइज ले सकते हो गेट एक्रो, सॉरी इसमें आपका जो एक्रो पीडी पेज से आएगा, सॉरी एक्रो पीडी पेज डॉट गेट साइज मेथड। अब इसमें बेसिकली क्या करेगा आपको, ये मैं एक बार दिखाता हूँ, डीबग डॉट प्रिंट पेज रेक्टेंगल डॉट एक्स इसकी वैल्यू एंड कॉमा पेज रेक्टेंगल डॉट वाई, अगर आप इन दोनों की जो वैल्यू अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। लेट मी रन दिस कोड फर्स्ट देन आई विल शो यू। इसको एक बार यहाँ तक इसको मैंने रन कर दिया, रन करने के बाद आप चेक करोगे मेरे पास ब्रिंग टू फ्रंट आ गया मेरा डॉक्यूमेंट। अगर मैं इसका एक्स एंड वाई प्रिंट करूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें एक्स एंड वाई इज बेसिकली जो इसका डॉक्यूमेंट का जो एक्स एंड वाई जो पॉइंट्स हैं इसमें, तो आपका 792 है 612 है इसमें से। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसमें
अब हम यहाँ पे जो है रेंज स्पेसिफाई करेंगे, रेंज स्पेसिफाई करेंगे जो कि हम क्रॉप करेंगे। स्पेसिफाई स्पेसिफाई द रेंज टू क्रॉप डॉक्यूमेंट्स विथ पॉइंट। हम जो है पॉइंट से इसको जो है क्रॉप करेंगे। मान लीजिए मैं इसको बोलता हूँ, जो हमने ऊपर इसका जो एक क्लास यूज़ की थी एक्रो रेक्टेंगल की, एक्रो रेक्टेंगल डॉट टॉप, मैं इसको टॉप से बोलता हूँ मुझे कितना क्रॉप करना है। जो मेरा पेज का जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल उसकी जो वाई, जो वाई की जिसकी पॉइंट्स हैं, माइनस मान लीजिए मैं इसको 20 यहाँ से उस ऊपर से लेस करता हूँ उसको। फिर एक्रो रेक्टेंगल डॉट, इसमें आपने बोला इधर बॉटम, बॉटम से फिर आपने मान लीजिए आप कितने पॉइंट्स आप जो है नीचे से क्रॉप करना चाहते हो। मान लीजिए आपने बोला 15 बोला, एक्रो रेक्टेंगल डॉट, उसके बाद आपने लेफ्ट से आपने कितने पॉइंट्स इसमें डिडक्ट किए, क्रॉप किए, मान लीजिए आपने 15 ले लिए। फिर उसके बाद आपने एक्रो राइट, एक्रो रेक्टेंगल डॉट राइट से भी आपने कितने क्रॉप किए। राइट से मान लीजिए इसमें आपका जो एक्स होगा, इसके वहाँ से आपका जो होगा वैल्यू आएगी, वहाँ से पेज रेक्टेंगल की जो एक्स होती, एक्स से वहाँ से आपके जो है पॉइंट्स इसमें कम करने होंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ से 20 कम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो हो गया आपका पास एक वैल्यू, एक क्रॉप पीडीएफ आ जाएगी आपके पास। उस क्रॉप पीडीएफ को आप क्या करोगे, आप बेसिकली इसमें एक मैं रिटर्न, ये आपने जो है बेसिकली अभी ये इस लेवल पे अभी क्रॉप नहीं हुआ है, आपने स्पेसिफाई कर दिया आपको कि आपने मुझे इतने इतने जो पॉइंट्स हैं आपको क्रॉप करने हैं। तो उसके लिए अब मैं क्रॉप पेज के लिए हमारे पास एक मेथड होता है। क्रॉप पेज बेसिकली जब आप करते हो तो आपके पास एक ये आपको रिटर्न करता है समथिंग, इट रिटर्न समथिंग जब आप क्रॉप पेज करते हो। अगर आप यहाँ पे आओगे क्रॉप पेज, जो हमारा मेथड है बेसिकली एक तरह का बूलियन है, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। माइनस वन होता है, माइनस वन इज़ फॉर सक्सेस एंड जीरो इज़ फॉर फेल, यानी वो क्रॉप नहीं हुआ है आपको। इसमें एक इसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लूँगा, क्योंकि इसमें माइनस वन या जीरो ही रिटर्न करता है जब आप इसको क्रॉप मेथड यूज़ करोगे क्रॉप पेज का। तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल लेना होगा, वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना होगा, उसमें उसकी जो वैल्यूज़ होगी या माइनस वन होगी या जीरो होगी, इसमें आपको जो है कैप्चर करना होगा। तो मैं मान लीजिए मैं इसकी एक वैल्यू लेता हूँ, मैंने बोला डिम सक्सेस, सक्सेस एज मान लीजिए मैं इसको इंटीजर दे देता हूँ, सक्सेस इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे बोल दिया पी डी पेज, सॉरी हमारा कौन सा था, एक्रो पी डी पेज, एक्रो पी डी पेज डॉट क्रॉप पेज। हमारे पास एक मेथड है क्रॉप पेज रेक्टेंगल, क्या कौन सा वाला आपने जो स्पेसिफाई किया हुआ है एक्रो रेक्टेंगल, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। एक्रो रेक्टेंगल मेंशन करने के बाद अगर आप इसकी वैल्यू चेक करना चाहते हो डिबग डॉट प्रिंट से, डिबग डॉट प्रिंट सक्सेस से क्या वैल्यू है, तो मान लीजिए मैं अगर माइनस वन होगा तो सक्सेस होगा, जीरो होगा तो फेल होगा। तो इसमें मान लीजिए मैं यहाँ पे ले आया हूँ ऐसे ऑब्जेक्ट वेरिएबल नॉट सेट, ओके, हमें इसको भी जो अभी सेट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट वेरिएबल को एक्रो रेक्ट। तो मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, सेट एक्रो रेक्ट इज इक्वल टू न्यू एक्रोबेट डॉट एक्रो रेक्ट, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप चेक करोगे इसमें आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगे, अब आपको दिखाता हूँ मैं एफ एड करता हूँ, एफ एड करने के बाद चेक करोगे माइनस वन जो कि हमारा सक्सेस हो चुका है। अगर आप इसमें ये आपका जो है अभी क्रॉप होके पेज आया नहीं है, इसको एक बार हटाता हूँ,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास जो पीडी डॉक में जो पेज आया होगा हमारे पास, वो बेसिकली एक चरक का वो क्रॉप होके आया होगा हमारे पास, पीडी डॉक, एक्रो पीडी डॉक। इसमें जो है एक्रो पीडी डॉक, इसमें हमारे पास जो है क्रॉप होके आ रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बोलूँगा पहले एक्रो पीडी डॉक जो हमारा क्रॉप हो गया, डॉट सेव बोलूँगा। इसके बाद स्पेस दीजिए, इसमें आप वन टाइप कीजिए एन टाइप वेरिएबल में, और उसका जो पाथ है, आप पाथ मान लीजिए आपको क्या पाथ देना है, तो मान लीजिए इसको मैंने पेस्ट कर दिया। मान लीजिए आप उसको डेस्कटॉप पे ही सेव करना चाहते हैं, जो आपकी फाइल जो क्रॉप हो गया ही है, पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको एक न्यू के नाम से डालता हूँ, न्यू न्यू क्रॉप पेजेस, न्यू क्रॉप अंडरस्कोर PDF.PDF। इतना होने के बाद आप एक्रो ऐप से जो आप एग्ज़िट हो जाइए, तो एक्रो ऐप डॉट एग्ज़िट, कुछ आपके जो वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किए हैं, एक्रो पी डी डॉक इज इक्वल टू, आप उसको नथिंग सेट एक्रो ए वी डॉक इज इक्वल टू नथिंग सेट एक्रो रेक्टेंगल जो आपने इसको डिक्लेयर किया था इज इक्वल टू, उसको भी आप नथिंग कर दीजिए। जितने भी आपके वेरिएबल्स जो आपने लिए हैं, एक्रो पीडीएफ पेज इज इक्वल टू नथिंग। ठीक है, तो मैं इसको एक बार स्टेप बाय स्टेप जो होगा रन करता हूँ। ये आपने सेव कर दिया, एग्जिट कर दिया आपने। ठीक है, इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। पास एक फाइल होनी चाहिए, सॉरी फाइल आई नहीं है, न्यू करो। आप अच्छा, आ गई हमारे पास फाइल, यहाँ पे जो है सेव हो चुकी है। इसको राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ। ये हमारे पास जो है क्रॉप्ड डॉक्यूमेंट है, जो हमने अभी क्रॉप किया है। तो मैं इसकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मैं आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ अभी। अगर आप दोनों में डिफरेंस चेक करोगे, बेसिकली ये अगर आप यहाँ से देखोगे, नीचे से आपका अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, आपका डॉक्यूमेंट है ये क्रॉप हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड से आप चेक करोगे, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट है वो पूरा क्रॉप्ड है, आपका टॉप से भी जो है क्रॉप है। अगर आप ये चेक करोगे, ये आपकी ओरिजिनल है और ये आपकी क्रॉप्ड वन है। ये अगर आप चेक करोगे यहाँ पे एरो एरो आपका यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पे ऊपर आपने क्रॉप कर रखा है इसको, यहाँ से भी आपका जो है राइट हैंड साइड से भी जो है आपका ये क्रॉप हो चुका है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से जो है ये आइडिया सकता का डॉक्यूमेंट क्रॉप करने का, आप इसको क्रॉप कर सकते हो। जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स होंगे लूप में, आप इसको रन करके भी आप क्रॉप कर सकते हो उसको। मान लीजिए आपको इसको दोबारा अगर आप रन करोगे, तो आपके पास एक एरर आएगा, आना चाहिए इस डॉक्यूमेंट के नाम से, ओके इट इज़ ओवर राइटिंग बाई डिफॉल्ट। ठीक है, अगर आपको इसको इसमें मान लीजिए आपको क्रॉप करना है ऊपर से, आपने बोला इसको टॉप से, सॉरी अभी जो मैं आपने जो है इसमें जो पॉइंट्स आपने डिफाइन किए हैं ऊपर से, आप जितने भी आप इसको क्रॉप कर सकते हो, लेफ्ट से भी आप अगर आप चाहो तो 50 कर सकते हो। फॉर योर एक्सपेरिमेंट आप इसमें कुछ भी जो है वैल्यू आप टाइप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इसको रन करोगे, रन करने के बाद आप चेक करोगे आपने जो ये आपकी PDF पेज है ये क्रॉप हो चुकी है एक तरह से, राइट। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो उसमें डॉक्यूमेंट्स PDF कैसे क्रॉप करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट 2 ईयर में। टिल देन यू स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।